नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है 5 की आंच का। मैं हूं अपर्णा मौजम और मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात पूर्व मंत्रियों के बंगले से प्यार की। एमपी में नए मंत्री होटल में रहने को मजबूर हैं, लेकिन कई पूर्व मंत्री अब तक बंगलों पर डटे हैं। बताएंगे कि किस आईएएस के मोबाइल की हो गई क्लोनिंग, बात रीवा में बंधक पर हुए बवाल की भी होगी। बताएंगे कैसे रतलाम में मजदूरों के नाम पर फर्जी कंपनी खोलकर करोड़ों की लेनदेन की गई। बात छत्तीसगढ़ में दवा के नाम पर हो रहे खेल की भी होगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं किस तरह से एमपी में बंगला पॉलिटिक्स जारी है। कई पूर्व मंत्रियों और विधायकों ने अब तक बंगले खाली नहीं किए हैं। ऐसे में नई सरकार के मंत्री और विधायक होटल्स या गेस्ट हाउस में रहने को मजबूर हैं। इस पर कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया कि 2020 में जब सरकार बदली थी तो हमारे पूर्व मंत्रियों के बंगलों के ताले तोड़कर खाली कराए गए थे। अब प्रशासन बंगले खाली करने में क्यों देरी कर रहा है, इस पर बीजेपी ने कहा है कि किसका बंगला कब खाली होगा, इसका जवाब सरकार से जुड़े लोग बेहतर दे पाएंगे। लेकिन कांग्रेस का बंगलों से मोह सबको पता है, ये कहते हुए बीजेपी के नेताओं ने तंज भी कसा है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री नेता हार चुके हैं वो अभी तक बंगलों में रहकर बरसों तक रहने के लिए उन्होंने अपना निवास को बनाने के लिए तैयारी की हैं, जबकि कांग्रेस के मंत्री शासन बदलने पर जो शिवराज सिंह ने चोरी से खरीदी हुई सरकार बनाई थी उसमें तत्काल हमारे कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों को उनके ताले तोड़कर कब्जा करना, बेइज्जत करने का काम किया। क्या यही प्रजातंत्र है? मैं माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि आप कथनी करनी जैसे सुशासन का नारा आप दे रहे हैं, स्वच्छ प्रशासन का नारा दे रहे हैं, वही नारा प्रदेश में स्थापित करें, अन्यथा प्रदेश की जनता से आपका विश्वास उठ जाएगा। कांग्रेस तो इस बारे में बात ना ही करे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस के बंगलों का मोह किसी से छिपा हुआ रहा नहीं। इन्होंने सत्ता को चाशनी बना दिया, इन्होंने सत्ता को अपने जिस ढंग से कोठा बंगला की तौर पर समाज में दिखा दिया, जता दिया, ये सब जानते, 70 सालों में देख चुके, इसलिए कांग्रेस तो कम से कम इन मासूमों पर ना ही बोले तो अच्छा होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार चुके माननीयों का अभी भी बंगलों से मोह भंग नहीं हो रहा है। हालांकि जो बंगले उन्हें आवंटित किए गए थे अब वो डॉक्टर मोहन सरकार में जो नए मंत्री हैं उनको आवंटित कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुराने नेता हैं या जो कहीं जो चुनाव हार चुके हैं वो अभी तक बंगले खाली नहीं कर रहे। ऐसी तस्वीरें हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये 4 इमली का V10 बंगला है और ये तत्कालीन जो कृषि मंत्री थे, कृषि कल्याण मंत्री, उनके नाम कमल पटेल के नाम ये बंगला था, लेकिन ये बंगला अब नई सरकार के एक नए मंत्री के नाम अलॉट कर दिया गया है। लेकिन देखिए, सरकार को लगभग 2 महीने का समय होने को है, लेकिन जो पुराने जो नेता हैं, जो पुराने जो मंत्री हैं वो अब तक इन बंगलों से उनका मोह भंग नहीं हो पा रहा, और यही कारण है कि जो लोग नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं वो लोग या तो अपने स्थानीय निवास से अपना कार्यालय चलाने को मजबूर हैं या फिर होटलों में वो लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, वो साफ तौर पर ये कह रही है कि जब 2020 में सत्ता परिवर्तन हुआ था तो कांग्रेस के नेताओं के बंगलों के ताले तोड़कर सामान बाहर फेंका गया था, लेकिन अपने ही दल के इन हारे हुए नेताओं के बंगले खाली कराने में आखिर बीजेपी क्यों कोताही बरत रही है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ साइलेंस सिंह, न्यूज 18 भोपाल। तो वार पलटवार किस तरह से हो रहा है राहुल, वो हम सबने देखा। एक लाइन दिमाग में आई कि सरकार बनाए बंगला न्यारा, नेताजी कहे सदा रहेगा हमारा। लेकिन अब आपको लिस्ट बता देते हैं कि किन मंत्रियों ने या नेताओं ने, पूर्व मंत्रियों ने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है। लिस्ट, भारत सिंह कुशवाहा का नाम इस लिस्ट में है, कमल पटेल, भूपेंद्र सिंह, सुरेश धाकड़, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, उषा ठाकुर, ओम प्रकाश सकलेचा, ओपीएस भदौरिया के साथ साथ यशोधरा राजे सिंधिया का नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा प्रभुराम चौधरी, राजवर्धन सिंह दतिगांव, इन मंत्रियों को बंगले आवंटित हुए। जिन्हें आवंटित हुए हैं, अलॉट किए गए हैं बंगले, उनके नाम आपको बता रहे हैं। प्रहलाद पटेल का नाम है, कैलाश विजय वर्गे का नाम है। इसके अलावा राकेश सिंह, राव उदय प्रताप, निर्मला भूरिया, संपत्या उइके, राकेश शुक्ला, करण सिंह वर्मा को भी बंगला अलॉट किया गया है। इसके अलावा नारायण सिंह कुशवाहा, चैतन्य कश्यप, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, लखन पटेल
और गौतम टेटवाल को भी बंगला अलॉट किया गया है। और अब बढ़ते हैं राहुल आगे, भोपाल से एक हैरान कर देने वाली खबर दर्शकों को बताते हैं। खबर यह है कि प्रदेश के एक सीनियर आईएएस अधिकारी पी नरिहर के मोबाइल से एक महिला को अश्लील मैसेज गए, लेकिन ये मैसेज ना तो अधिकारी ने भेजे थे और ना ही उनके मोबाइल फोन से ये मैसेज भेजे गए थे। उनके फोन की क्लोनिंग कर ये दरअसल खेल किया गया और महिला के साथ चैट जो हुई उसे वायरल भी कर दिया गया। किसने रची आईएएस नरहरि को बदनाम करने की साजिश और क्या है मोबाइल क्लोनिंग, आइए जानते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी जानकारी के बिना आपके मोबाइल से किसी को मैसेज जाए और आपको पता भी ना चले? बिल्कुल हो सकता है। मोबाइल क्लोनिंग के जरिए किसी फोन का डुप्लीकेट बनाकर ये फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। आपने अब तक ऐसा फिल्मों में देखा होगा, लेकिन एमपी के सीनियर आईएएस ऑफिसर पी नरहरि मोबाइल क्लोनिंग का शिकार हुए हैं। पी नरहरि का एक फर्जी चैट वायरल हो रहा है जिसमें वो एक महिला से निजी बातें कर रहे हैं। चैट के वायरल होने से हड़कंप मचा है। इसे पढ़कर किसी को भी आईएएस के चरित्र पर शक होगा। चैट के जरिए उन्हें बदनाम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चैट पी नरहरि ने किया ही नहीं है, उनके मोबाइल की क्लोनिंग कर महिला को मैसेज भेजे गए हैं। आईएएस पी नरहरि ने क्राइम ब्रांच में मामले की शिकायत दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया में कुछ पेपर कटिंग्स और एक चैट वायरल की जा रही है जो कि प्राइमा फेसी फर्जी लग रही है और उसके संबंध में उन्होंने शिकायत की थी। क्राइम ब्रांच ने इसमें एक अपराध पंजीबद्ध करके एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। जो भी ये चैट वायरल हुई है वो प्राइमा फेसी देख के लग रहा है कि जो आजकल सोशल मीडिया पे अवेलेबल एप्स हैं जिनके द्वारा फर्जी चैट बनाने की सुविधा दी गई है ये उसके द्वारा ही बनाई गई है। इस चैट के सत्यापन के संबंध में कोई भी तथ्य प्राप्त नहीं हुआ है। जो अधिकारी हैं उन्होंने और जिन जिसके संबंध में जिन महिला का नाम आया है उन्होंने भी अपनी तहरीर थाने में दी हुई है, उसके ऊपर क्राइम ब्रांच लगातार काम कर रही है और जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी और सोर्स के थ्रू उसके द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक आईएएस अधिकारी के साथ ऐसी हरकत किसने की, ये शक जाहिर किया जा रहा है कि अधिकारी के किसी स्टाफ ने ही ये हरकत की है। अधिकारी का फोन किसने क्लोन किया और किस उद्देश्य से फर्जी चैट वायरल किया गया, पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई है। अब सवाल है कि किसी आईएएस अधिकारी का फोन क्लोन किया जा सकता है तो आम लोगों के फोन कितने सुरक्षित हैं और फोन की क्लोनिंग आखिर की कैसे जाती है, आइए आपको बताते हैं। क्या है मोबाइल क्लोनिंग? किसी मोबाइल का बन जाता है डुप्लीकेट। सिम डेटा IMEI नंबर चुराकर क्लोनिंग होती है। कई एप्स के जरिए भी होती है क्लोनिंग। मालवेयर इंस्टॉल कर की जा सकती है क्लोनिंग। क्लोनिंग के बाद कॉल और मैसेज पर कंट्रोल। ये थे फोन क्लोनिंग के तरीके, लेकिन ये पता लगाया कैसे जा सकता है कि किसी फोन की क्लोनिंग की गई है, इसके भी तरीके हैं। क्लोनिंग का पता कैसे लगाएं? मोबाइल का ज्यादा गर्म होना, बैटरी का तेजी से कम होना, इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म होना, फोन का स्लो होना, फोन रीस्टार्ट करने के लिए कहा जाए, नो सिम कार्ड का एरर मैसेज, मोबाइल डेटा का काम ना करना। और अब अहम बात यह है कि फोन क्लोनिंग से कैसे बचा जाए, फोन की क्लोनिंग हुई है तो कैसे ठीक किया जाएगा, आइए ये भी जानते हैं। क्लोनिंग से कैसे बचे? क्लोनिंग होने पर फोन को फैक्ट्री रीसेट करें, लॉगिन पासवर्ड बदल दीजिए, फोन में गैर जरूरी ऐप ना डाउनलोड करें, अनजान लिंक पर ना क्लिक करें। तो इन तरीकों का इस्तेमाल कर फोन की क्लोनिंग का पता लगाया जा सकता है और क्लोनिंग से बचा भी जा सकता है। फिलहाल ये देखना है कि आखिर आईएएस के फोन की क्लोनिंग किसने की और क्या पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो फोन क्लोनिंग से आपको सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन उधर रीवा में